हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है इंदर, कैसे स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपने ऑनलाइन शॉपिंग जरूर किया होगा, लेकिन अगर कभी किसी प्रोडक्ट में आपको खराबी देखने को मिल जाए, मतलब कि जो वारंटी होती है एक साल की, तो उसके वारंटी को कैसे क्लेम करना है, क्या प्रोसेस है और कैसे आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि लगभग 10 महीने पहले मैंने एक फोन का अनबॉक्सिंग किया था, रियलमी नार्जो 10। इस फोन को मैंने अनबॉक्सिंग किया था 10 महीने पहले और इस फोन में अभी प्रॉब्लम आ गई है। बेसिकली इसका पावर बटन काम नहीं कर रहा और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं कि इसकी वारंटी को कैसे क्लेम करना है और पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है वो सारी चीजें क्या है आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके प्रोडक्ट में किसी भी तरह की दिक्कत होती है, चाहे वो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट हो या फिर अमेजन का प्रोडक्ट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको ऑनलाइन खरीदा है, अगर प्रोडक्ट में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आप सिंपली उस ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर को कॉल करो। जैसे कि आपने मान लो फ्लिपकार्ट से एक फोन खरीदा है, आपकी अगर फोन में किसी तरह की दिक्कत आती है एक साल के अंदर, तो आप फ्लिपकार्ट वालों को कॉल करो, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे कि आप वारंटी कैसे क्लेम कर सकते हैं। और आपको इसके लिए उस प्रोडक्ट का इनवॉइस डाउनलोड करना होगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऑर्डर के डिटेल में जाकर के देखेंगे, वहां पर डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन देता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस कंपनी की आपने फोन खरीदा है, जैसे मान लो आपने रियलमी, ओप्पो या फिर एमआई, किसी भी ब्रांड का आपने फोन खरीदा है, और रियलमी अगर आपको मना कर देती है कि हम आपको वारंटी नहीं दे सकते हैं, किसी भी तरह का एक्सक्यूज दे करके कोई बहाना देती है, तो आप सिंपली अगर आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है तो फ्लिपकार्ट वाले को कॉल करेंगे और कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, जब मैंने इस फोन के लिए वारंटी प्रोसेस के बारे में पता किया, तो कंपनी वालों ने फोन का जो ब्रांड है रियलमी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया, उनका ईमेल आईडी दिया, उन्होंने कहा कि इस पे बात करने के लिए और अपने वारंटी को क्लेम करने के लिए, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर ब्रांड मना कर देता है आपको वारंटी देने से, तो आप हमारे पास फिर से कॉल करके कंप्लेन भी कर सकते हैं, और जो फ्लिपकार्ट है वो उस कंपनी पे एक्शन लेगा। पहले आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन को कॉल करेंगे, वो लोग जो प्रोसेस बताएंगे, जो नंबर देंगे, उस नंबर पे बात करना होगा। उसके बाद अगर वो ब्रांड, जिस ब्रांड का सामान आपने खरीदा है, वो अगर आपको मना कर देता है वारंटी देने से, तो आप फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन या फिर मिंत्रा, इन लोगों को कॉल करके, कस्टमर केयर को कॉल करके उसकी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, और ये लोग उस ब्रांड पे फिर एक्शन लेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। और मैंने जब रियलमी ब्रांड को कॉल किया कि भाई मेरा पावर बटन जो है काम नहीं कर रहा, अभी भी वारंटी पीरियड में है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने सर्च किया कि मेरे नज़दीक में कौन सा सर्विस सेंटर है, उसके बाद उन्होंने मुझे उसका लोकेशन बताया कि आप यहाँ पे चले जाइए, इस सर्विस सेंटर में जाइए, आपका काम हो जाएगा। अगर ये लोग मना करते हैं वारंटी देने से, तो मैं फ्लिपकार्ट को कंप्लेन भी कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, तो फ्लिपकार्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वारंटी गारंटी जो भी है, इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्लिपकार्ट को उठाना पड़ेगा। इसी के कारण अगर वो ब्रांड मना करता है वारंटी देने से, तो फिर आप इनके पास कंप्लेन कर सकते हो और ये लोग एक्शन लेंगे। मैंने बहुत पहले एक बोट का हेडफोन खरीदा था, उसका एक साल का वारंटी था, लेकिन वारंटी पीरियड के अंदर ही उसका माइक खराब हो गया था। मैंने उनको बताया कि मेरा ये प्रोडक्ट जो है बोट का हेडफोन है, ये अभी भी वारंटी में है और इसका माइक काम करना बंद कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, बोट वालों का नंबर दिया, उन्होंने बोला कि आप इनसे बात कीजिए और उसके बाद जो भी वो लोग रास्ता बताते हैं उसको फॉलो कीजिए। तो उन्होंने सिंपली मुझसे बोला कि इनवॉइस जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको सेंड करने के लिए और क्या प्रॉब्लम है वो बताने के लिए। जब मैंने मेल किया, उसके बाद मुझे मेल का जवाब आया और उन्होंने क्या किया, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक सप्ताह के अंदर नए हेडफोन ला करके दिया उन्होंने, और वो जो पुराना हेडफोन मेरे पास था वो लेकर के चले गए। और ये बहुत ही बढ़िया सर्विस लगा था मुझे बोट कंपनी की तरफ से। और अगर वो कंपनी मना करती मुझे, तो मैं फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन वाले को कॉल करके उसका कंप्लेंट रजिस्टर कर देता। तो ये सिंपल है गाइज, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है कोई भी प्रोडक्ट में, तो आपने जिस प्लेटफॉर्म से वो प्रोडक्ट को खरीदा है वहां पे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और फिर ये लोग जो है उस कंपनी पे एक्शन लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।